ठीक है, क्या किया देखो, log 1 by 3 को log 1 by 3 से कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 6 less than 2। तो क्या 6 less than 2 होता है? ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये गलती कैसे हुई देखो, क्या हुआ, हमने बाकी सारे स्टेप सही किए, जो लास्ट वाला स्टेप है देखो वो हमने गलत कर दिया। मतलब ऐसा है देखो, ध्यान दो, log of 1 by 3 base 10 ये एक नेगेटिव नंबर है, ये नंबर एक्चुअली एक नेगेटिव नंबर है। क्यों नेगेटिव है? बेस 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा, मैंने बताया था अगर बेस 1 से बड़ा है और ये टर्म 1 से छोटा तो लॉग की वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। याद करो लॉग का ग्राफ, याद करो देखो, ऐसे लॉग का ग्राफ होता था, यहां पर होता है x बराबर 1, यहां पर होता है x बराबर 0। अगर बेस 1 से बड़ा है और ये नंबर देखो क्या है, बोलो 1/3, 1/3 का मतलब देखो 1 से छोटा, तो ये नंबर क्या हो गया, बोलो 1 से छोटा। तो ये नंबर 1 से छोटा है और बेस 1 से बड़ा है, तो देखो लॉग की वैल्यू क्या हो गई, देखो नेगेटिव। ग्राफ कहां है देखो, x एक्सिस के नीचे, तो लॉग की देखो वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। इसका मतलब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और जब हम दोनों तरफ से नेगेटिव क्वांटिटी को काट रहे हैं, काट रहे मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो इनिक्वेशन को चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था जब दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, देखो नेगेटिव नंबर को काटना, काटने का मतलब मैथ्स में होता है डिवाइड करना। जैसे कि मान लो ऐसा है अपने पास, मान लो ऐसा है -2x > -2y है। अब आप ये कहो कि मैंने -2 काट दिया, तो काटने का मतलब कुछ नहीं, काटने का मतलब -2 से आप डिवाइड कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनिक्वेशन को चेंज होना चाहिए, कायदे में ये लिखना चाहिए। तो अगर आप -2 से -2 काटेंगे तो इसका मतलब ग्रेटर से क्या हो जाएगा, लेस, आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनिक्वेशन बदलता है हमेशा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, यहाँ बदलना ठीक। तो वही बात देखो यहाँ पर है, जब आप log 1/3 बेस 10, log 1/3 बेस 10 को काट देंगे, तो काटने का मतलब एक नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ये एक नेगेटिव नंबर देगा हम लोगों ने। तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनिक्वेशन को बदलना चाहिए, मतलब लेस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो ये स्टेप अपना गलत हो गया, क्या होना चाहिए, 6 > 2 होना चाहिए कायदे में। तो ये लास्ट स्टेप हमारा गलत हो रहा था, ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर को दोनों तरफ से काटने का मतलब डिवाइड करना, तो इनिक्वेशन चेंज होनी चाहिए, है ना। तो मतलब ये छोटे छोटे ऐसे मैथमेटिक्स के मैजिक हैं जो आप किसी को बताएंगे और उससे पूछेंगे कहाँ पर गलती हो रही है, तो हो सकता है वो उसका दिमाग ना चले कि भाई देखो यहाँ गलती हो रही है। ऐसे मैं आपको और ही बताऊंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसमें एक मतलब साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, और हमारे कॉन्सेप्ट भी थोड़े इम्प्रूव होते रहते हैं इस टाइप की चीज़ों को करने से। इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से,